अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आपको भाई अल्हम्दुलिल्लाह एकदम ज़बरदस्त। तो आज का वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। काफ़ी टाइम बाद मैं फेस के साथ वीडियो बना रहा हूँ। आई थिंक ये 4-5 महीने तो कन्फर्म हो गए होंगे कि मैं उसके बाद आपके सामने फेस के साथ आया हूँ। और इसमें बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं वो न्यू आए होंगे, और उन सबको मैं मोस्ट 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 वेलकम करता हूँ भाई अपने चैनल पे। ये फेस के साथ एक अलग ही होता है, वॉइस जो पीछे जा रही होती है, आगे चीज़ें जा रही होती है, वो एक अलग सीन होता है। तो आज की वीडियो भी हम एज इट इज जैसे बनाते हैं रोज़ वीडियो, वैसे ही बनाएंगे। बस इसमें इजाफा जो हुआ है वो मेरे फेस का हुआ है, वो जो कि आप लोग देख रहे हैं। तो इसमें मैं आप लोगों को चीज़ें बता दूंगा, कुछ चीज़ें हैं जो बातें हैं कुछ वो आपसे करनी है, तो वो भी आप लोगों के साथ कर लूँगा। तो आज की वीडियो में हमारे पास तकरीबन 8-1 चीज़ें हैं, जिसमें से हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉनिक्स में मौजूद है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग भाई के चैनल पर नए हैं तो लाजमी मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ में आने वाले नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिलता रहे। यहाँ पर हम बहुत सारी सेकेंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर पर वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगता है आप लोगों को तो ज़रूर एक वीडियो को लाइक किया करें। इस लाइक करने से बहुत सारे मेरे फ़ायदे होते हैं, उससे ये है कि वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंडेशन में आगे लोगों को जाती है। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें। तो पहले बात कर रहे थे आज की वीडियो में हमारे पास चीज़ें क्या क्या मौजूद हैं, उसके बाद हम बात कर लेंगे उन चीज़ों को परचेज कैसे करना है, ठीक है। पहले नंबर पे हमारे पास आज की वीडियो में शोकेस है, दूसरे नंबर पे हमारे पास एल शेप सोफा सेट है, तीसरे नंबर पे हमारे पास सोफ़ा सेट है, चौथे नंबर पे हमारे पास सोफ़ा सेट विद सेंटर टेबल है, पांचवें नंबर पे हमारे पास बेडरूम सेट है, छठे नंबर पे हमारे पास डाइनिंग टेबल है, सातवें नंबर पे हमारे पास कुकिंग रेंज है, और आठवें नंबर पे हमारे पास वॉशिंग मशीन आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉनिक्स की होगी चीज़ें, और 6 जो चीज़ें हैं वो हमारे पास फर्नीचर में मौजूद है। अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी चीज़ पसंद आती है, परचेज करना चाहते हैं, इसी वीडियो के कमेंट्स में आपको नंबर मिल जाएंगे जिन पे आप रब्ता करके उस चीज़ को परचेज कर सकते हैं जो कि आपको पसंद आई है। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो चीज़ आपकी सिटी में मौजूद हो, ठीक है। अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो ओबियसली आप इजीली उस चीज़ को परचेज कर सकेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों मेरे चैनल पे नए हैं और आपको वीडियो आपने देखा है नंबर नहीं मिले, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि मेरी लेटेस्ट वीडियो को देखिएगा, चैनल को विजिट करके लेटेस्ट वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह उस वीडियो के नीचे आपको ज़रूर नंबर मिल जाएंगे। इधर मकसद सिर्फ इतना होगा जो चीज़ें सेल हो जाती हैं हम उसको जो नंबर होते हैं उनके डिलीट कर देते हैं, सारी चीज़ों के नंबर डिलीट कर दिए जाते हैं जो कि चीज़ें सेल हो जाती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो रह जाती हैं, कुछ ज़्यादातर चीज़ें होती हैं जो सेल हो जाती हैं, जिस वजह से हम नंबर को डिलीट कर देते हैं। अगर आप लोगों को कोई चीज़ सेल करनी है तो यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर रहा हूँ, उस पर कॉन्टैक्ट करके तस्वीरें वगैरह आप सेंड कर सकते हैं और मेरे इसी चैनल पे आप ऐड लगवा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने शोकेस की, जिसकी अगर मैं ओवरऑल कंडीशन की बात करूं तो आप 9x10 कंडीशन कह सकते हैं। बिल्कुल साफ़ सुथरा शोकेस है, किसी किस्म का आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, बेहतरीन है, ठीक है। प्राइस रेंज की अगर हम इसकी बात करें तो 8000 रुपये इसकी सिर्फ डिमांड है, फाइनल प्राइस नहीं है। आप लोग प्राइस रेंज की बात कर सकते हो, नंबर इनका आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सिटी की बात करूँ तो लाहौर में भाई ये इस टाइम मौजूद है शोकेस, तो इसको लाहौर वाले परचेज़ कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमें देखने को मिल जाता है एल शेप सोफ़ा सेट, जिसकी ओवरऑल अगर पहले कंडीशन की बात की जाए तो आप 7x10 कंडीशन कह सकते हैं। सीटिंग के लिहाज से ठीक है, पोशिश के लिहाज से ठीक है, पर पोशिश गंदी हुई है, जिस वजह से मैंने 7x10 कंडीशन बोली है। तो 2-4 तकरीबन 8 आपको इसके साथ कुशन देखने को मिल जाएंगे। स्किन एंड ब्लैक का कंट्रास्ट में आपको ये एल शेप सोफ़ा सेट देखने को मिल जाता है, स्किन कलर वैसे ही बड़ा गंदा हो जाता है। प्राइस रेंज की अगर हम इसकी बात करें तो 22000 रुपये इसका मांगा हुआ है, डिमांड है 22000 रुपया, तो इस टाइम लाहौर में ये भी मौजूद है, तो इसको भी भाई लाहौर वाले परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें फिर एक अदद सोफ़ा सेट ही देखने को मिल जाता है, जिसकी ओवरऑल अगर कंडीशन की बात करें तो 9x10 है ये सोफ़ा सेट। बताते हैं मुझे ख़ुद बहुत अच्छा लगा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन सोफ़ा सेट है, और आपको इसके साथ कुशन देखने को मिल जाते हैं। 5 सीटर है तो 5 कुशन आपको देखने के इसके साथ मिल जाते हैं। अगर हम इसकी प्राइस रेंज की बात करें तो 24000 रुपया इसका मांगा हुआ है, प्राइस रेंज थोड़ी सी ज़्यादा आप कह सकते हैं मांगी हुई है, पर सोफ़ा सेट
अगर देखा जाए तो सोफ़ा सेट भी बहुत अच्छा है, ठीक है। एक मुनासिब प्राइस आप लगा सकते हैं, जितना आप लोगों का बजट है, आप अपने बजट में रह के वो 2-3 हज़ार रुपया कम प्राइस लगाएं। मतलब कि अगर आपका बजट 18 हज़ार रुपये का है तो आप 15 हज़ार रुपया प्राइस लगाएं, ताकि आपको प्राइस जब आपने बढ़ानी हो तो आपको मुश्किल पेश ना आए, ठीक है। तो अगर आपका 20 हज़ार रुपये का बजट है तो आप उसको 17 हज़ार या 18 हज़ार प्राइस लगाएं। तो इस तरह करके अपनी प्राइस को मैनेज किया करें। यह इस टाइम इस्लामाबाद में मौजूद है, 24 हज़ार रुपये इसकी डिमांड है, तो इस्लामाबाद वाले इसे परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमें देखने को मिल जाता है एक अदद फिर सोफ़ा सेट। इस सोफ़ा सेट की अगर हम ओवरऑल कंडीशन की बात करें, अच्छा पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये सोफ़ा सेट है 5 सीटर में, ठीक है। एक 3 सीटर है और एक मतलब के 1-1 सीटर के दो हैं, टोटल 5 सीटर है। और 5 सीटर के साथ आपको टेबल सेट देखने को मिल जाता है, जो कि वुडन ग्लास में मौजूद है। एक मेन सेट, एक मेन टेबल है और दो जो हैं वो साइड की टेबल आपको देखने को मिल जाते हैं। इनकी हम ओवरऑल अगर कंडीशन की बात करें, बेडरूम सेट प्लस, और बेडरूम सेट कह रहा हूँ, सोफ़ा सेट प्लस टेबल की, तो 8x10 कंडीशन है भाई। दोनों चीज़ें साफ़ सुथरी हैं, किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इन दोनों की प्राइसेज की बात करें, मतलब कि प्लस टेबल और प्लस सोफ़ा सेट की, तो 30 हज़ार रुपये भाई इसका मांगा हुआ है, टेबल और सोफ़ा सेट का। तो आप ये कह सकते हैं प्राइस रेंज मेरे आईडिया के मुताबिक ठीक है, इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ज़्यादा है पर इतनी ज़्यादा नहीं है। ये मुनासिब हो सकती है प्राइस, क्योंकि इसके साथ आपको एक टेबल सेट भी मिलता है जो कि वुडन ग्लास में मौजूद है। तो इस टाइम अटक पंजाब में सेल हो रहा है, 30 हज़ार रुपये की डिमांड की हुई है, तो अटक पंजाब वाले से परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिल जाता है एक अदद बेडरूम सेट, ठीक है। बेडरूम सेट की अगर हम ओवरऑल कंडीशन की बात करें, तो आप इसकी 9x10 कंडीशन कह सकते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा बेडरूम सेट है, किसी किस्म का आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता, ठीक है। आप इसका फ्रंट देखेंगे तो फ्रंट काफ़ी अच्छा बना हुआ है, जो कि पोशिश भी आपको देखने को फ्रंट में मिल जाती है, ठीक है। बेड का हुड जो है वो आपको लॉन्ग देखने को मिलता है, उसके साथ दो साइड टेबल आपको देखने को मिलते हैं और एक अदर ड्रेसिंग टेबल भी साथ है इसके। तो इसके साथ मैट्रेस नहीं है, मैट्रेस की आप लोग बात ना कीजिएगा। अगर हम इनकी प्राइसिंग की बात करें पूरे बेडरूम सेट की, तो 37 हज़ार रुपये इसका महंगा हुआ है। प्राइस रेंज ज़्यादा है, पर यह है कि बेडरूम सेट की जो कंडीशन है, जो लुक है, वो बेहतरीन है, ठीक है। प्राइसिंग मुनासिब हो जाएगी, आप लोग प्राइसिंग की बात कर सकते हैं। ये इस टाइम इस्लामाबाद में मौजूद है, तो इसको इस्लामाबाद वाले परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें फिर एक अदर डाइनिंग टेबल देखने को मिल जाता है, जो कि 6 सीटर में मौजूद है। डाइनिंग टेबल आपको वुडन ग्लास में देखने को मिल जाता है। अगर हम ओवरऑल कंडीशन की बात करें डाइनिंग टेबल की, चेयर्स की, मोस्ट इंपॉर्टेंट चेयर्स होती हैं उसकी बात करें, तो 9x10 कंडीशन है। पॉलिश के लिहाज से, पोशिश के लिहाज से, सिटिंग के लिहाज से, हर लिहाज से थोड़ा सा डिज़ाइन आप कह सकते हैं पुराना है, पर है कि नीट एंड क्लीन चेयर्स आपको देखने को मिल जाती हैं। साथ में आपको एक टेबल देखने को मिल जाता है, टेबल ग्लास जो है वो 12 mm का है, ठीक है, बेहतरीन ग्लास है। 6 सीटर टोटल ये डाइनिंग टेबल है। अगर हम इनकी प्राइस रेंज की बात करें, तो 25 हज़ार रुपया इसका मांगा हुआ है। मंडी बहाउद्दीन में इस टाइम ये मौजूद है, तो भाई 3 महीने सिर्फ इन्होंने यूज़ किया हुआ है, 25 हज़ार रुपया मांग रहे हैं मंडी बहाउद्दीन में, ठीक है। फिर अगेन बता रहा हूँ इसलिए ताकि आप लोगों को पता चल सके, 25 हज़ार मांगा हुआ है, तो एक मुनासिब प्राइस लगा के आप इसे परचेस कर सकते हैं। ठीक है, मेरा आइडिया है आप 20 हज़ार रुपया प्राइस रेंज लगाएं, तो एक वो मुनासिब प्राइस हो जाएगी, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो आपको मिल भी जाएगा। उसके बाद हमें देखने को मिल जाती है एक वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन की ओवरऑल कंडीशन की अगर हम बात करें, तो भाई 9x10 कंडीशन है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वॉशिंग मशीन है। कंपनी की बात करें तो डोलन्स की यह वॉशिंग मशीन मौजूद है, ठीक है, बिल्कुल साफ सुथरी है, किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। 6 मंथ सिर्फ यह मशीन यूज़ हुई है। DW9100 इसका मॉडल है, जो कि आप गूगल पे या किसी भी वेबसाइट पे देख सकते हैं, या किसी दराज वगैरह पे देख सकते हैं कि ये न्यू की प्राइस क्या है, ठीक है। आपको उस न्यू की प्राइस से आइडिया हो जाएगा कि ये प्राइस जो 16 हज़ार रुपये इसने मांगी हुई है, 16 हज़ार रुपये जो प्राइस मांगी हुई है वो ज़्यादा है या कम है, ठीक है। अगर कुछ ज़्यादा फ़र्क ना हुआ,
न्यू और सेकेंड हैंड में, तो फिर मैं ये रिकमेंड करूँगा आपको कि आप लोग न्यू परचेज करें। अगर ज़्यादा फ़र्क हुआ फिर आप अच्छी तरह देख के इस वॉशिंग मशीन को परचेज कर सकते हैं, जो कि गुजरांवाला में इस टाइम मौजूद है और 16,000 रुपये की सेल हो रही है। आखिरी नंबर पे हमारे पास कुकिंग रेंज। कुकिंग रेंज की ओवरऑल कंडीशन 9x10 है, बेहतरीन कंडीशन है, किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 5 बर्नर में आपको ये देखने को मिल जाता है, और 5 बर्नर के साथ बर्नर के टॉप ग्लास आपको देखने को मिल जाता है, और सारे के सारे बर्नर इसके वर्किंग में है, कोई भी बर्नर प्रॉब्लम में नहीं है। बटन आप लोग देख लेंगे वो भी वर्किंग में आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। नीचे ग्रिल वगैरह सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो। अगर हम इसकी प्राइस रेंज की बात करें तो 12,000 रुपया इसने मांगा हुआ है इसका, ठीक है। 12,000 रुपये में वो सेल करना चाह रही है कुकिंग रेंज, मुनासिब बात बना के, ठीक है, आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि वो 12 से भी नीचे आपको दे देगा, ठीक है, ज़्यादा मसला नहीं होगा। तो वारिस खान रावलपिंडी में ये इस टाइम मौजूद है, तो भाई इसको पिंडी वाले परचेज़ कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे फेस के साथ ही वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा कि मैं फेस के साथ वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। कभी कभार मैं बना लेता हूँ, काफ़ी मतलब कि कभी कभार नहीं, काफ़ी अरसे के बाद मैं फेस के साथ वीडियो बनाता हूँ, कोई एक आज में या तो फिर आप मैं 6 महीने बाद, 4 महीने बाद या 3 महीने बाद बनाऊँगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मेरी कोशिश होगी हफ्ते में अगर मेरी 7 वीडियो अपलोड हो रही है मेरे चैनल पर, जिसमें से 3 वीडियो जो हैं वो आपको फेस के साथ मिल जाएँ, 3 फेस के बगैर मिल जाएँ, ठीक है, इस तरह का कोई सिनेरियो मैं इंशाल्लाह बना लूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे लाजमी दुआओं में याद रखा करें। खुदा हाफिज़।